नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज RS 615 और उसी अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस कितना है? 615 मिला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला 600 रुपये, यानी अंतर कितना है? 15 रुपये। ठीक है, तो जब 2 वर्ष का अंतर दिया है तो इसका एक सूत्र होता है, 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बराबर क्या होता है? मूलधन दर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें हमें अंतर हमारे पास है, दर नहीं है। दर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे 1 वर्ष का ब्याज मिला 600 रुपये, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ पर साधारण ब्याज मिला 615 रुपये। ठीक है, दो चीजें हैं, साधारण ब्याज मिला 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज मिला 615 रुपये। तो इस 600 में 2 वर्ष का 300 रुपये और 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर बार एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले वर्ष तो 300 रुपये मिला होगा और दूसरे वर्ष 315 रुपये मिला होगा। तो जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वो किस पे मिला है? 300 रुपये पर मिला है। तो इससे हम यहाँ पर रेट की पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो रेट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 भाग पी इंटू टी। तो आर बराबर क्या होगा? 15 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितने पर मिला? 300 रुपये पर, समय है 1, कट कर देंगे, दोनों जीरो यहाँ कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15। तो इस प्रश्न में रेट क्या है? इस प्रश्न में रेट है 5%, लेकिन हमसे रेट ना पूछ के उसने मूलधन पूछा है। तो अब हम इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे। यहाँ पर अंतर कितना है? 15 है, तो यहाँ 15 रख दिया। पी हमें ज्ञात करना है, आर की वैल्यू है 5 / 100 का स्क्वायर, 5 से काट देंगे, 5 × 10 = 20। तो 15 बराबर पी 1/20 गुणे 1/20। हाँ, पी निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा? 15 × 20 × ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 × 30 और 30 × 60, तो 6000 रुपये हो जाएगा, ये इसका मूलधन निकल आया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। एक यहाँ पर सूत्र होता है, 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 का स्क्वायर। तो इस सूत्र की मदद से आपने यहाँ पर मूलधन को कैलकुलेशन कर लिया है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।